हाँ घुमाओ दो सौ देगी कम से कम आधी। और ये बता रहे हैं कंपनी भी, अच्छा कंपनी भी लेके गए हो आप गाड़ी, तो वहाँ पे क्या करा था आपने? रॉड चेंज कर, देखो नहीं रॉड अभी तक रॉड, ये टायर रॉड, हाँ टायर रॉड देखो अभी नहीं है। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए पर्ची भी लगी हुई है और नई टायर रॉड, चलो। और इसका हब चेंज कर दिया उन्होंने, हब भी चेंज करवाया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। और दोस्तों ये कंपनी ने इधर का ये हब चेंज किया था और जिसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये रिमो से और एक्सल से ही सेटिंग हो जाती है इसकी। तो हरियाणा में तुमने मैकेनिक को दिखाई थी तो वो क्या बोला? उन्होंने कमानी करके दे दी, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होगी तो कमानी बट ठीक है, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा होगा। एजेंसी में भी कराएंगे, उन पे भी नहीं हुआ, उन्होंने हटा के हब बदल दिया, हब बदल दिया। तो बहुत बड़ी यार ये चीज, नहीं मेन नहीं फॉल्ट पकड़ा किसी ने तो आज कंप्लीट होगी। चलो ठीक है दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और ये तो खड़ी है जम्मू की गाड़ी, और ये गाड़ी आई है भारत में जब ने लोकल किया, लेकिन इनको आगे से दिक्कत है। गाड़ी कहते हैं 50-60 की स्पीड पर बबलिंग करती है, तो ट्राई लेकर आते हैं फिर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। चलो दोस्तों गाड़ी चेक कर रहे हैं, गाड़ी में ये वाली दिक्कत नहीं है, गाड़ी में ये दिक्कत है, मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा, मतलब ये ऊपर नीचे की है, ये ऐसा है जैसे टायर में गाटर तो नहीं किसी में, गाटर तो नहीं है, गाटर पक्का नहीं है। अभी टायर में जैक लगवा के देखता हूँ दोस्तों, काफ़ी गाड़ी ना मतलब ऊपर नीचे ऐसे। अब एक टायर कनेक्टर साइड में लगा हुआ है, पिछली मतलब पिछली साइड का जो मोटी गुड्डी के होते हैं जो पीछे डलते हैं, और उधर है प्लेन टायर। चलो देखते हैं, लेके चलते हैं वर्कशॉप वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ घुमाओ दोस्तों ये देखिए कम से कम आधी से आराम से विभिन्न डेक स्लिप करके जाए, देखिए दोस्तों मतलब आधी से पौनी जी, बस 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 छोड़ दो बहुत ज्यादा। इस एक इसके रिम चेक कराए कभी? नहीं आज कराए थे। कब कब कितना टाइम हुआ? 5 महीने हो गए। चलो कोई नहीं, इसमें मैं चेक करवाऊंगा, इसे टायरों खुलवाओ। ये टायर तुम्हारा पीछे तो चल जाएगा, अगर इसको तुम्हें पीछे यूज करना है ना, पीछे नहीं तुम्हें पता लगा है, स्टेपनी में चल जाएगा, स्टेपनी में जैसे मर्जी चलाओ, लेकिन ये आगे तुम्हें दिक्कत देगा। ये तो ये है कि अड़ी भिड़ी के लिए अगर तुम्हें यूज करना करो टायर को, ठीक है नहीं। और जो अंदर से खाने की समस्या है थोड़ी बहुत, वो जो है वो तुम्हारा फ्रंट एक्सल हो जाएगा सर, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को ट्राई ले लेंगे। और बताओ देखो 19-20 तो थोड़ी बहुत तो करती है कोई भी, 19-20 तो झेल जाता है, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कितनी किस साइड झुकती है, या मतलब किस साइड ज़्यादा कनेक्टर साइड, मतलब लटक के चलती है या? अच्छा यूँ साइड में है, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों इनको थोड़ा सा झुकने की भी दिक्कत है, वो भी इनकी दूर करेंगे, और जो टायर की है सारी प्रॉब्लम इनकी दूर करेंगे। और मुर्गियों में गाड़ी चलती है, ये पीछे देख रहे होगे आप, इसके जो पीछे बॉडी है, मतलब बॉडी नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, मतलब मुर्गी का काम होगा इनका, जहाँ भी ये जाते हैं आते हैं। चलो जो भी है खैर वो इनका काम है, हमने तो ये टायरों के लिए गाड़ी आई है, इसका काम करना है। BS6 16-17 गाड़ी है भारत बैन, चलो देखते हैं आपको दिखाता हूँ इसमें दिक्कत क्या। और दोस्तों ये इसमें जैक नहीं लग रहा था, मतलब इतनी दबरी है गाड़ी, बीच में टायरों वाला जैक लगाकर फिर ये जैक लगे हैं, तो देखेंगे बाद में जब काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो भारत बैंज है 16-17, चलो इसका हमने टायर खुलवाए हैं और रिम भी चेक होंगे, क्योंकि उसमें मुझे डाउट लग रहा है। और ये बता रहे हैं कंपनी भी, अच्छा कंपनी भी लेके गए हो आप गाड़ी, तो वहाँ पे क्या करा था आपने? रॉड चेंज कर, देखो नहीं रॉड अभी तक रॉड, ये टायर रॉड, हाँ टायर रॉड देखो अभी नहीं है। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए पर्ची भी लगी हुई है और नई टायर रॉड, चलो। और इसका हब चेंज कर दिया उन्होंने, हब भी चेंज करवाया, और फिर उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, टायरों के ऊपर। अच्छा फर्क नहीं कोई पड़ा, तो चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, कंपनी में ले कर गए थे और वहाँ पर हब भी चेंज हुआ है, टायर रॉड भी नहीं लगा दी। ये गारंटी पीरियड में थी क्या गाड़ी? 2 साल पुरानी गाड़ी गारंटी में। अच्छा 4 साल की गारंटी। अच्छा इसकी 4 साल की है, चलो। और दोस्तों फिर भी ये कह रहे हैं कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि चलो हम पूरी कोशिश करेंगे जैसा भी है इसमें पूरा निकालने की, जो भी है वो सारा कुछ करके बाद में इनकी ट्राई लेंगे, और शाम के टाइम चलेंगे फिर जैसे भी है, फिर मैं इतने इसका काम को निपटाता हूँ, शाम तक इसे रेडी करते हैं गाड़ी को। दोस्तों भारत बैंज 16-17 6 चक्की गाड़ी है, और मतलब ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है तो अपने लोकल की, लेकिन ये दिल्ली से पंजाब चलते हैं। और दोस्तों ये गाड़ी मतलब कंपनी में लेकर जा चुके हैं कई बार, और कंपनी में इनके हब चेंज हुआ है, टायर रॉड चेंज हुई है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला।
तो अपनी वर्कशॉप पर आए हैं ये गुरु नानक वर्कशॉप में, और इसका सॉल्यूशन पूरी गाड़ी का निकालेंगे। मतलब गाड़ी में हमने खोलने से पहले गाड़ी की ट्राई ली, तो गाड़ी दोस्तों ये जंप बहुत कर रही है, बहुत हद से ज़्यादा, ठीक है ना। और इसको एक्सल को खोलेंगे, कमानी खोलेंगे, क्या करेंगे पूरी वीडियो एंड तक देखना, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो लेकिन आपको मजा आएगा वीडियो देखने में। और बहुत सारे भाई हमें क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ये इस चीज़ का जवाब तो अपने भाइयों से ही पूछूंगा, जो बहुत ज़्यादा माइंड वाले बंदे हैं ना, जो क्वेश्चन आंसर करते हैं उनको मैं पूछूंगा भी इसमें फॉल्ट क्या था। इस गाड़ी में मैं फॉल्ट बताऊंगा ही नहीं, तो देखते हैं कितने भाइयों के अंदर माइंड है और कितने भाइयों के अंदर नहीं। लेकिन इस वीडियो के एंड में ड्राइवर साहब का रिव्यू लेंगे, उनको कैसा लगा काम। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, आइयो बढ़िया होगा मेरी तरह, बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसका जो ये अपना फ्रंट एक्सल है ये हमने खोल ली है, और दोनों कमानियों में चाल तो है ही है। इनका कहना है ड्राइवर साहब का, कंडक्टर साइड थोड़ी झुक कर चलती है ये गाड़ी आगे से, और इसको इसी हिसाब से दम दिया जाएगा। और फ्रंट एक्सल में जो कमी है उसको भी दूर करेंगे, थोड़ी बहुत रिम की दिक्कत है उसको भी दूर करेंगे, ठीक है ना। अब जो इसमें कमी है ना, देखता हूँ कितने भाई अब मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत दिमागदार बंदे मतलब जो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं ना, देखो जो प्यार करने वाले तो सारे ही हैं, लेकिन कई माइंडेड पर्सन जिनके अंदर माइंड बहुत होता है, ठीक है ना, इसमें मुझे दिक्कत बताना, क्योंकि बहुत माइंड वाले बंदे हैं अपने कमेंट करने आते हैं हमारी वीडियो पर। चलो देखते हैं आज उनका माइंड टेस्ट होगा। तो ये जो गाड़ी क्या मतलब बबलिंग करती है ना ऊपर नीचे, तो ये क्या चीज़ है। और दोस्तों इनकी कमानियों की ये पिने निकाल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कमानी में देना है तड़, हाई करनी है कमानियों में देना है दम, और ये पैराबोलिक नहीं है, सिंपल कमानी है। और ये देखिए, बताओ अब मैं इनके मालिक साहब को यही कहूँगा, भैया कमानी में पिनों में ग्रीस प्रॉपर करा लिया करो। हर वीडियो में बताता हूँ, ग्रीस वालों की ग्रीस मत कराया करिए, अपनी स्पेशल नई ग्रीस लो, और उसको उसका मतलब जो पाइप होता है, जो प्रेशर गन होती है, जो भी होती है, उसको खाली करके अपनी नई ग्रीस भरवाओ, तो अपने सामने ग्रीस करवाओ, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये तो पिन भी तुम्हारी ग्रीस नहीं कराते क्या, सुक्की चल रही भाई, ग्रीस नहीं करवाते, सुक्की बड़ी पिन है। चल मार, चल ये तो हिलाए कार्ड, सुक्की बड़ी ग्रीस, सुक्की बड़ी ग्रीस करवा दो भाई, तो अब दोस्तों क्या होता है ना, जब आप ग्रीस वाले को कहते हो तो पुरानी ग्रीस होती है भाई, तो देखो कोई कोई बंदा होता है जो पास खड़े होकर पूरी गाड़ी में ग्रीस करवाए, लेकिन इसमें तो ये ग्रीस मेरे ख्याल से पास खड़े होकर नहीं। अब ग्रीस वाले क्या करते हैं, जहाँ जिस पिन में निकल गई ठीक है, बहुत कम रियर मैकेनिक ऐसे होते हैं ग्रीस वाले कि जो बताते हैं भैया आपकी ये वाली पिन बंद है और इसको आप ये काम करवाएं, नहीं तो कई क्या करते हैं, उन्होंने उनके तो पैसे बनने हैं, निकली तो ठीक है, नहीं निकली तो ठीक है ग्रीस, ठीक है ना। तो ये इस गाड़ी में वही हाल हो रहा है, मतलब सारी पिनें जाम से निकल रही हैं, सिर्फ एक आधे में थोड़ा बहुत ग्रीस था और कमानी गिर रही है। और दोस्तों इसके बुश वगैरह ख़त्म हुए पड़े हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं, सारा काम जेन्युइनली करेंगे, आप देखेंगे, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों बिल्कुल मतलब देखें सूखी पड़ी हैं पिने, और ग्रीस हो तो आराम से निकल जाए, चीज़ें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। ये चीज़ों को थोड़ा बहुत ये थोड़ी बहुत लापरवाही हो जा चाहे कोई भी है, ये चीज़ें हाँ चीज़ें ग्रीस होता है ना, ये तो तुम्हें पिने भी नहीं मिलने की, ठोकनी भी हमें यही पड़ेगी, भारत बहन का सामान है वैसे नहीं मिलने का। हाँ सुराख खोल दो, वो तो कोई नहीं, खुश खुल जाएगा। अब दोस्तों ये सिर्फ अगर दो चार महीने और लेट करवाते ना काम, तो इनकी पिने भी खत्म मिलती। चलो हल्का मोटा है उसमें मतलब साफ करके उसको, उसकी पिन खोल के, ये जितनी भी मतलब जो जाम हो रही हैं पिने ग्रीस की वजह से, तो इसको साफ करके यही ठोक देंगे। बुश इनके बिल्कुल ख़त्म है, साथ के ही बुश हैं, बताओ 2 साल हो चुके हैं गाड़ी को, और सारा काम प्रॉपर तसल्ली के साथ करेंगे, दम भी देंगे, एक्सल भी करेंगे, इनके रिम भी चेक करने हैं, तो सारा कुछ करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, कंप्लीट। जिन भाइयों ने जवाब देना अपना जवाब तैयार रखें भाई। अब दोस्तों इसमें जो दम देंगे ना, इसमें दम देंगे, इन्होंने चलना है लगभग अंडर लोड ही, ठीक है ना, उसी हिसाब से दम दिया जाएगा। लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम है कंडक्टर साइड झुक कर चलती है, तो मैं एक ही कमानी में दम नहीं दूंगा, तो दोनों को लेवल करना पड़ेगा,
थोड़ा सा 19-21 करना पड़ेगा, वो आप भाइयों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें माइंडेड बंदे बहुत देख रहे हैं वीडियो ये। तो जो ज्यादा माइंड वाले हैं ना, आज उन्हीं से सवाल है, आप सारा कुछ बताना। अभी ये गाड़ी बबलिंग क्यों कर रही थी, ठीक है ना, ये कमानी में तो दम दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको टांग भी देंगे और एक्सल भी हम कर देंगे। तो हर वीडियो में मैं बता देता हूँ ना, इसलिए लोग कहते हैं ये तो हमें पता था, ये ऐसे था, आपने ऐसे किया ऐसे किया, तो भैया इसमें मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने भाई मतलब इसमें वीडियो में सही जवाब देते हैं। तो जो बंदा सही जवाब देगा ना, देखते हैं कितने माइंडेड बंदे हैं। और जो मतलब डेली कमेंट करता है वो तो करते ही करते हैं, कई बंदे प्यार भरे कमेंट करते हैं उनका, तो यार आप प्यार करते हो ना, आप प्यार वाले कमेंट भेजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो माइंड मतलब उन बंदों का माइंड देखना है जो काम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उन बंदों का माइंड देखेंगे कितना है कितना नहीं इस गाड़ी को लेकर। क्योंकि ये गाड़ी दोस्तों कंपनी में भी जाकर आई है, कंपनी वालों ने हब भी चेंज कर दिया, टायर रॉड चेंज कर दिए, और मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मतलब ड्राइवर को संतुष्टि नहीं मिली, गाड़ी अब भी जंप कर रही है और बबलिंग कर रही है बहुत बुरी तरह। मैंने खुद जब सुबह ये गाड़ी आई ट्राई लेकर देखी तो मतलब बैठना भारी हो गया, कोई ड्राइवर इस गाड़ी पर जाकर राजी नहीं है, मतलब बड़ी दिक्कत परेशानी की बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन ऊपर वाले से डर कर कहता हूँ, लेकिन गाड़ी आई है तो इनको बिल्कुल टचवुड बिल्कुल ओके करके भेजेंगे गाड़ी को। और ओके कैसे करेंगे, वो टेस्ट लेंगे बिल्कुल काम होने के बाद। आप पूरी वीडियो तभी मैं बता रहा हूँ कि एंड तक देखना, तो ड्राइवर साहब का रिव्यू लेंगे और कैसा हुआ काम वो उन्हीं से पूछेंगे, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि गाड़ी का हम टेस्ट लेने चलेंगे, लाइव वीडियो बनाएंगे, आप देखेंगे पूरी वीडियो में। तो फिलहाल तो इसके कमानी में देते हैं दम और उसके बाद आपसे मिलते हैं, तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
A few moments later. और इधर दोस्तों मैं लंच करके आया हूँ, थोड़ा ज़रूरी काम से गया था और ये गाड़ी में जो कमानी मैंने दम दे दी थी और दोनों कमानियाँ यहाँ पर टांग दी हैं, मार्शल बुश बिल्कुल कर दिए हैं फिट इसमें, ये दोनों हुई ना ठीक है। और इधर की साइड बस ये पिन रह रही है, उसके बाद इसको फ्रंट एक्सल को निकालेंगे फिर इसका काम चालू होगा, क्योंकि यही काम सबसे पहले ज़रूरी था। और ये दोनों हो गई हैं फिट, अलाइनमेंट बिल्कुल सेट हो जाएगी, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, स्पैंडल करेंगे, जो भी है एक डेढ़ घंटे का काम हो रहा है, उसके बाद फिटिंग करते हैं इसमें, करेंगे फिटिंग। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल हमने ऊपर रख लिया प्रेस मशीन पर, और देखो आप भी सोचते होंगे कई गाड़ियों के एक्सलों के हम मतलब ये जो है ना स्पैंडल, ये हम निकालते नहीं हैं, वो क्यों नहीं निकालते वो हमें ही पता है, और इसके हम निकालेंगे। अब इसमें मुझे डाउट लग रहा है ना, जो कमी पेशी है वो गाड़ी को बंदे को मतलब तसल्ली करके देनी है, ठीक है ना। अब ये वही वाली बात आ जाती है भैया, मैं कुछ नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन आप देखते रहना बस, और आपको देखता हूँ कितने बंदे इस चीज़ का जवाब देते हैं भाई इस गाड़ी में कमी क्या थी, भाई जो कंपनी वाले भी पकड़ नहीं पाए, ठीक है ना। लेकिन चलो ऊपर वाले से डर के कहता हूँ, जितना हमारे फादर साहब ने हमें माइंड दिया है या उनसे पहले ऊपर वाले ने हमें माइंड दिया, ठीक है ना, सिर्फ मेरे जो उस्ताद है ना मेरे फादर साहब ही हैं जिनसे हमने इतना काम सीखा है, या खुद हम कर लेते हैं या बता देते हैं हम करके या जो भी है, तो मैं बताऊँगा नहीं। बहुत माइंडेड बंदे देख रहे हैं ये वीडियो, चलो खैर कोई बात नहीं, देखेंगे उनका आंसर मुश्किल ही आएगा दोस्तों, ये भी मैं लिख के देता हूँ। ऐसे वैसे काम बहुत करेंगे, ठीक है ना, जिसमें मैं बता दूंगा ये और वो है, लेकिन इसमें कमेंट नहीं आएगा उनका, वो करेंगे कमेंट जो प्यार वाले हैं, उन्होंने तो करना ही करना है जो हमें प्यार करते हैं, लेकिन यह है कि जिनको पता है जिनको नॉलेज है वो ही बंदा इसमें कमेंट करना करेगा, और अगर पता होगा किसी को, बाकी चलो देखते हैं। खैर इसको दोस्तों स्पैंडलों खोलेंगे और इसका सेट करेंगे, जो भी होगा वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये गाड़ी आई थी जो छोटी टाटा 710, इस गाड़ी का काम किया था, तो इनको मैं समझा रहा हूँ आप किधर से जाइए, क्योंकि दोस्तों जो नया बंदा होता है ना तो पता नहीं लगता अभी दिल्ली किस साइड से जाना है, और इनको मैं बता रहा हूँ आप इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए आप निकल जाओगे, तो इनको मैं रास्ते का बता रहा था। वैसे तो हम बाईपास पे ही अपनी वर्कशॉप, और अगर किसी बंदे को ज़रूरत है तो एक मैं वीडियो प्रॉपर बना दूंगा पूरे रोड से किधर से हमारी वर्कशॉप पर आ सकते हैं, अगर हो तो मुझे बताना। तो मतलब दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताना अगर इस टाइप की वीडियो चाहिए भी हमारी वर्कशॉप किधर से कैसे आती है, तो मैं बना दूंगा। और देखो दोस्तों पहली बार एक्सल खुला है तो जाहिर सी बात है इसको प्रेस तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद इसके स्पैंडल होंगे, और जो कमी पेशी होगी वो आप देख लोगे लेकिन पता आपको जब भी नहीं लगेगा, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ जितने भाई से देख रहे हैं, और मैं बताऊंगा तो हूँ नहीं इस वीडियो में, ये पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊंगा नहीं कुछ, आप देख के सपोज करो या ये करो वो करो जैसे भी है ना, लेकिन कमी मैं इस स्पैंडल में ही ख़त्म कर दूंगा जो भी होगी, देखते हैं कितने भाई इस चीज़ को नोटिस करते हैं, और जो भी होगी वो सारे कुछ कमी दूर करनी है वो तो ड्राइवर साहब को ही पता लगेगा, वो वीडियो के एंड में पता लगेगा आपको। तो ठीक है आप कंटिन्यू रखिए, इसको प्रेस करते हैं उसके बाद स्पैंडल इसके फिट करेंगे, तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों।
और दोस्तों आपने देखा फ्रंट एक्सल, मतलब भारत रैन का हार्ड फ्रंट एक्सल है, लेकिन एक ही बारी में दबा दिया और इतना दबाना था कि ये अंडरलोड ही चलना है 10-12 टन में। और इधर ये जो कमानी है इसमें भी हमने तड़ दे दिया, जिसमें ज़्यादा तड़ थी हमने उस साइड रखा कनेक्टर साइड, उधर थोड़ा दबने की प्रॉब्लम थी ना, पर पड़ली साइड थोड़ा झुकने की थी, ऊंची भी हो जाएगी और टायरों पर भी कम लोड पड़ेगा। और बस अब इसका सामान धोने के बाद फिटिंग करते हैं। और ये देखिए सारा काम तैयार है, बस एक्सल फिट होने की देरी है। और दोस्तों इसको प्रेस कर दिया है और इसके जो बैरिंग है ना, दोनों में मुझे डाउट है तो मैंने नए मंगवाए हैं, क्योंकि तैयार है काम, सिर्फ बैरिंगों के ऊपर रुका हुआ है, बैरिंग आने में ही है, अब लेने गए हुए हैं। ये लोकल की गाड़ी है दोस्तों अपने, लेकिन चलती है दिल्ली से पंजाब, और बस इसको फिट करते हैं और गाड़ी में करेंगे फिटिंग। दोस्तों इसके गाड़ी के जो स्पैंडल के बैरिंग है ना, मिलने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये भारत वैन जो है बड़ी मुश्किल से इसका स्पेयर पार्ट का सामान मिलता है। चलो हमारे यहाँ पर शॉप्स हैं तो ड्राइवर साहब खुद ही ले आए थे, हमने इनको शॉप बता दी थी 3-4 शॉप, मैंने कहा जहाँ से आपकी इच्छा वहाँ से ले आओ, क्योंकि अपने लोकल कहीं हैं, इनको पता है सब कुछ। और ये बैरिंग लेकर आए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें हम फिट करेंगे और बस इसके बाद नीचे लगाते हैं गाड़ी में। और इनका जो रोग था वो कट चुका है आधे से ज़्यादा, जो थोड़ी बहुत कसर है वो जब फिटिंग होगी जब ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा भी आप कंटिन्यू रखिए, इसको करते हैं फिटिंग।
और दोस्तों एक्सल हमने लगा दिया है, सारी कमी इसकी दूर हो चुकी है 90%, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत 10-15% काम इसका बाकी है और आप देख ही रहे हैं वीडियो में, और इनका रोग जो है लगभग कट चुका है और जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो टायर लगाने से पहले ही उसको ख़त्म करेंगे और फिर ट्राई लेने चलते हैं। तो आप बन रही है और बस ये फिटिंग का काम चालू है। और अगर किसी भाई को कुछ इस गाड़ी के बारे में पूछना है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मेरे DM कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, अगर वहाँ पर मुझे टाइम हुआ और फिर मैं उसका जवाब भी दे दूँगा अगर कोई भाई सही जवाब देगा इस गाड़ी में क्या दिक्कत थी, तो उसका मैं जवाब भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है नहीं दूंगा। किसी ने YouTube पे ही अगर सही जवाब दे दिया तो वहीं पर भी मैं उसका कमेंट पढ़ के जब मुझे टाइम लगेगा और फिर मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि दोस्तों टाइम इतना होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है ना। जो अपने को प्यार करने वाले हैं उनका कमेंट आने ही आने हैं, वो तो कोई मतलब रोक ही नहीं सकते हम उनका प्यार, बिल्कुल सर आँखों पर, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा ही दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, जो भाई हमें प्यार करते हैं, कभी ऊपर वाले ने चाहा तो मिलेंगे जरूर भाइयों से जितने अपने प्यार करने वाले चाहने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ और छोटी सी बात करता हूँ, एक जम्मू से हमारे पास गाड़ी आई थी, मुझे जम्मू से एक दो बंदों ने कई बंदों ने कह दिया कि सर जब भी कभी भी आप जम्मू आएँ तो नंबर नोट करें, हमारे पास आएँ और हमें मिल कर जाएँ। मैंने कहा सर आप कभी दिल्ली आओ तो हमारे पास मिल कर जाना, हमारे से नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हाँ बिल्कुल ऊपर वाले ने चाहा कभी जम्मू कश्मीर की साइड आए तो ज़रूर उनको जम्मू मिल के आएंगे। और पूरा वो कह रहे हैं कि फरवरी मार्च के टाइम पर आना, मतलब बढ़िया मौसम भी होता है और घूमने फिरने की बढ़िया जगह है। तो चलो ऐसे ऐसे प्यार करने वाले भी दोस्तों बहुत हैं। और एक भाई अपने पंजाब से हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब पंजाब तो हमारा चलो एक दो महीने में चक्कर लग ही जाता है, लेकिन जब भी गए तो उन भाई को फ़ोन करेंगे, मिलेंगे या जो भी है। अब भाई ने इतने प्यार से हमें, कई बंदों ने हमें दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर कहिए, क्वेश्चन आंसर से मतलब है कि प्यार दिखाया अपना कि भाई आइए आप जैसे भी है आपसे मिलना ज़रूर है। जब तुमने अपनी दूसरी गाड़ी में इसके रिम लगाए, उससे रिम लगाने से पहले टायर सही थे वो, मतलब ये नहीं होता था जब ये रिम चेंज करे जब वो कूदने लगी है, ये ध्यान नहीं दिया तुमने। रिम तो अपनी गाड़ी के जो आते हैं ना वही, कब की बात है ये, अभी लोड हुई थी गाड़ी, टायर बड़ा था ना। दोस्तों ये कंपनी ने इधर का ये हब चेंज किया था और जिसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये रिमो से और एक्सल से ही सेटिंग हो जाती है इसकी। और दोस्तों सारा काम हो चुका है, बस इसकी लाइनमेंट हो रही है और रिम भी इसके चेक करवा दी हैं। और दोस्तों एक भाई ने और बात बताई, इसके जो रिम आए थे ना ओरिजिनल, वो उठा के इन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी को दे दिए। अब ये भी हो सकता है कि रिमो में दिक्कत हो या क्या हो, चलो वो तो आप लोग ही बताओगे, क्योंकि दोस्तों फॉल्ट तो इसमें हमने निकाल दी है, और रिम का था या एक्सल का था, कमानी का था या क्या था, तो आपके आंसर का वेट रहेगा दोस्तों। अब देखो गाड़ी तुम्हारी इधर से यहाँ खड़े होके देखो, कंडक्टर साइड से ऊंची कर दी गाड़ी,
लग रही नहीं। हाँ ये कनाडा साइड से दम मैंने थोड़ा फालतू रखा, ठीक है नहीं। चलो करो स्टार्ट करो फटाफट। चलो दोस्तों ट्राई लेने चलते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों ट्राई लेने चलते हैं, गाड़ी बिल्कुल रेडी है और इनके ओनर साहब यही हैं और ड्राइवर भी यही है, मालिक भी यही है, तो पूछते हैं इनसे क्या हुआ क्या नहीं। टाइट लग रहा होगा स्टीयरिंग, थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा। हाँ ये तो चीज है, मतलब देखो पहले नॉर्मल थी, अब है बिल्कुल एकदम चीज टाइटनेस। अब ऐसे लग रहा होगा वाकई में कोई नई सी गाड़ी चला रहे हैं। ऊंची भी काफी है, ऊंची तो होनी होनी है, देखो जो जब काम करेंगे सही। चलो देखो जी अब पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है, पांचवे में डाल लो, बताओ कैसा है? कितना था पहले और अब कितना होगी संतुष्टि? थोड़ा जोर से बोल के इन्हें बताओ कैसा है, ओके है बस ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी इनके बिल्कुल सेट है, जो मतलब हमने सुबह चलाई थी ना गाड़ी, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे और सारा काम तसल्ली से करके इनसे से ले लियो पुल के, ध्यान से आराम से। कितने पे चढ़ाई थी? 80 पे चढ़ाई। कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो जब काम सही होगा ना तो टचवुड कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है नहीं। अब गाड़ी भी तुम्हारी ऊंची होगी और एक्सल भी ओके हो गया, और स्पीड इसलिए इतनी स्पीड पे ही करते, सुबह होने लगी थी तो बैठा भी नहीं जा रहा था सुबह, मैं भी कहूँ यार बहुत ज्यादा फर्क है। 19-20 तो चलता है, ये 19-20 है, ये तो चीज चलती है, ये नॉर्मल तो, लेकिन सुबह ज्यादा था, सुबह बहुत ज्यादा था। चलो बस ये चीज की खुशी है कि तुम्हें, देखो तुम ओनर हो क्या? मैं ओनर। अच्छा तुम्हारा ही गाड़ी तुम्हारा, ठीक है ठीक है ठीक। नहीं नहीं चलो अच्छी बात है। कितनी गाड़ी है अपने पास? अपने पास दो है, दोनों ही भारत में। चलो तो दोस्तों गाड़ी इनकी ओके हो चुकी है बिल्कुल, अब कार जैसी फीलिंग आ रही होगी। चलो अच्छी बात, तो ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रही है टाइम टाइम। वीडियो में क्या चला क्या बोला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय। तो हरियाणा में तुमने मैकेनिक को दिखाई थी तो वो क्या बोला? उन्होंने कमानी करके दे दी, कोई दिक्कत नहीं। तो कमानी बट ठीक है, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा होगा, एजेंसी में भी कराएंगे, उन पे भी नहीं हुआ, उन्होंने हटा के हब बदल दिया, हब बदल दिया। तो बहुत बढ़िया ये चीज, नहीं मेन नहीं फॉल्ट पकड़ा किसी ने, तो आज कंप्लीट होगी। चलो ठीक है, चलो ठीक है ब्रदर, ओके दिखवा। हाँ बिल्कुल चेक करवा देना जब आओगे दो एक आधे महीने में, ठीक है नहीं, ओके। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बोला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय।